जातीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने छपरा में 3 चुनावी सभा की। तरैया तथा अमनौर के मकेर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो इंटर पास हर छात्राओं को स्कूटी और छात्र को बाइक दूंगा। उन्होंने एनडीए महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना काल में दोनों दलों के नेता बिलों में दुबके हुए थे। एक पप्पू यादव ही इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों व छात्रों के बीच खड़ा रहा। केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आज अंबानी की संपत्ति 29% बढ़ गई, जबकि गरीबों की हालत बस से बदतर हो गई है। रेलवे के निजीकरण से रेल यात्रा गरीबों की पहुंच से दूर हो गई है। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं कि 3 साल के अंदर अपने वादे पूरे नहीं करने की स्थिति में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे से बालिकों की निगरानी करने की बातें कही। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से इजाजत लेकर तरैया विधानसभा के क्षेत्र के जाप प्रत्याशी संजय कुमार सिंह तथा अमनौर में जाप प्रत्याशी पूनम राय को जीत का माला प्रदान किया और प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की ग्रामीणों से अपील की। D11 टीवी के लिए मगेर से पप्पू मिश्रा के साथ पानापुर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। यदि लगे नहीं पप्पू यादव जो MLA नहीं और हर घर तक पहुंचता है, तरैया का कोई घर की बात को बचो 2017-18 में नहीं पहुंचे। यदि आपको लगे पूरे देश के आभार पप्पू है और बिहार बदल सकते हैं। हर छात्र 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल आजादी महसूस करेंगे। कोई अपराधी माफिया रोड पर नहीं होगा, या तो शमशान या तो बिहार से बाहर या तो पप्पू या तो मैं वादा करते रहता हूँ, भरोसा कर ले आपके लिए जी सकता है। यूथ से मैं कहना चाहूंगा एक बार मेरे DNA के लिए मेरा डर।